अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है सबका? ठीक है, खैरियत से? तो भाई आजो भाई, बाहर आजो। चलो बैंटम खोल दिए बाहर। अब जो है ना ऊपर वाले चूज़ों को भी खोल देते हैं। आज जो है ना मैंने क्या किया है, ये छोटे चूज़े भी जो है ना मैं ऊपर ले आया हूँ, क्योंकि मौसम जो है ना माशाल्लाह सही हो गया, तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने इनको भी ऊपर रख दिया। तो ये तो खैर, ये इसका तो साथ ही खैर मर गया था पहले बारिश की वजह से, इसकी वजह से मैंने इनको भी नीचे रखा हुआ था, लेकिन ये क्या ज़रा ठीक है, बेहतर है। तो अब इनको जो है ना यहाँ पे बंद किया हुआ है, क्योंकि छोटे हैं ना, तो फिर वो इनके साथ नहीं रखा हुआ इनको, ये मारता है बैंटम का एक मुर्गा, ये बहुत तेज़ है। अभी उसको देख लेते हैं, चूज़े को क्या उसकी कंडीशन है। ये जो है ना यार कल से उदास है, कल से ना ज़रा ढीला ढीला हुआ है। चल पीछे हट, ये ना कल से ढीला हुआ है, लेकिन ये है कि खा पी तो सही रहे, तो बाकी का पता नहीं। चलो अभी अभी अंदर, अभी इनको जाना, अभी अंदर ही बंद करते हैं, दूसरे चूज़ों को दाना डाल दें तो फिर इनको खोलेंगे। इनको तो मैं ना यहाँ भी बंद करता हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह है तो ज़रा ना मिट्टी में खेल लेंगे थोड़ी देर, मिट्टी में खेलेंगे तो ज़रा सही रहता है जो है ना। मुर्गियाँ वगैरह जब मिट्टी में खेलती हैं तो ऐसी बात आपको भी पता है कि पलती हैं फिर सही, मिट्टी में सही जो है ना साफ साफ उनका सही रहता है। दरवाज़ा मैं वैसे खोल देता हूँ, लगा ही देता हूँ, खैर ऊपर से आना होगा तो आ जाएंगी, नीचे से यहाँ से जाना इनको बंद कर देते हैं, ताकि अगर मुर्गी वगैरह आए दूसरे तो बचत हो जाए। तो अभी खैर ये दोनों तो बेचारे अकेले हुए हैं, इसका एक साथी है वो साइड पर है, ये चूँकि ना इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसकी वजह से मैंने इसको अलग कर दिया। इसकी असल में ना ये एक ही एज के थे ये सारे, लेकिन इसकी पता नहीं क्यों ग्रोथ रुक गई, जिसकी वजह से मैंने इसको जो है ना अलग कर दिया। अलग करके मैंने इसके लिए एक और चूज़ा लाया था, मतलब कि दो लाया था जिसमें से एक बचा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे जो है ना अभी एक दो दिनों में ना मैं और भी चूज़े लेकर आऊँगा, तो फिर इसके साथ छोड़ देंगे। अभी माशाल्लाह स्पेस है काफ़ी, तो इधर भी मेरे पास स्पेस है, ऊपर दो खाने हैं मेरे पास, लेकिन ये है कि इधर है ना खस्ता हालत में टूटे हुए हैं, तो ऊपर से खैर शेड का मसला तो हल हो गया। बाकी ये है कि ये तीन खाने हैं, इनको दो पे किया हुआ है, उनको एक पे किया हुआ है, नीचे छः खाने हैं टोटल, लेकिन जो है ना बैंटम के लिए सही है। बस ये है कि ये सील हैं, इनको फिर आगे जो है ना नीचे कर देंगे, और जो नीचे बैंटम है उनको फिर ऊपर उठा के इस वाले पिंजरे में कर देंगे, क्योंकि इन्होंने ज़रा जो है ना फिर ज़्यादा सारे हैं, छः पाँच हैं तकरीबन, और साइड पे दो हैं। ये तो पता नहीं क्या हो गया इनको, मुझे ना अलहदा करना पड़ेगा। ये मारते मुझे लगता है इसने उसको भी मारा है उस वाले को, और वो जो है ना ढीला हुआ है, लेकिन उसको कोई ज़ख्म का निशान तो नहीं है। इनको जो है ना मुझे अलहदा ही करना पड़ेगा, मतलब कि बीच में जो है ना मेरे पास पार्टीशन पड़ी है, इनके बीच में मैं वो जाली लगा दूँगा, और ये पेयर अलहदा अलहदा कर दूँगा। सील का पेयर इधर होगा और ये ऊपर से ओपन है, तो ये ज़रा ऊँचा हो जाएगा सील के लिए। बैंटम का इधर कर दूँगा, और वो जो सबराइट है उसका जो है पेयर इधर कर दूँगा, और इसके साथ जो है ना दूसरा चूज़ा लाऊंगा। ये गोल्डन बफ है, वाइट बफ का चूज़ है, लेकिन ये कि इसके साथ या तो बफ लेकर आऊंगा या दूसरे मल्टी चूज़े ले आऊंगा जो उसके साथ सही रहेंगे। नीचे बैंटम का ऐसी बात है, उन्होंने जो है ना अपना जमाया हुआ है। यहाँ भी यार आजकल क्या करती है मुर्गी जो है ना, इसके ऊपर बैठ के अंडा देती है, और वो ड्रम जाता है नीचे गिरता है, और उस प्याली के अंदर मिट्टी की प्याली है, और अंडा मेरा जो है ना रोज़ टूट रहा है। दो दिन हो गए अंडा इसने तोड़ना शुरू किया हुआ, उससे पहले अंडा खा जाती थी, काफ़ी देर इसने अंडे खाए अपने, लेकिन अब जो है ना वो ऊपर बैठ के अंडा देती है, वो नीचे गिरता है और वो टूट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। फिर उसको ये है कि ज़ाहिर सी बात है खा लिया जाता है। मैं सोचा था कि अंडे जमा करेंगे और इसकी जो है ना चूज़े निकलवाएंगे, लेकिन ये सारा मेरा प्लान जो है ना उन्होंने ख़राब कर दिया। अब इनको ज़रा बाहर कर देते हैं, इनको भी डाल देते हैं बाहर। चलो भाई आ जाओ, इनको जो है ना चलो एक एक करके ले कर जाएंगे। चलो चलो इसने भी पी जो है ना इसका, ये देखें पानी शानी पिया हुआ है, लेकिन खाया पिया नहीं इसने, फुल फूला हुआ है इसका मेला, लेकिन पता नहीं क्या हिसाब किताब कर रही है ये, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ी छलांगें मारता है। वो चलो भाई अंदर, अब इसकी बारी आ गई। चलो भाई इधर आ जाए, तो इतना
काफी बड़ा मुर्गा आ जाएगा। ये देखो जैसी आवाज़ें निकालते हैं ना चूजे तो फ़ौरन से आ जाता है कि पता नहीं क्या हो गया भाई, मेरी छत पे कोई और आ गया। इनको जो है ना एक जगह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कल मैंने इनको छोड़ के देखा था तो वो जो है ना बड़ा मुर्गा वो फिर इनको ना मारता है। ये वाइट वाला किधर गया? ये बैंटम का, ये बहुत लड़ाकू है क्योंकि इसका बाप भी लड़ाकू है। ये इसका बाप है, इसका बाप भी लड़ाकू है तो ये भी लड़ाकू है। ये आपस में लड़ते हैं तो फिर उसकी वजह से मसला हो जाता है। बाकी ये है कि अभी अंदर खेलेंगे मिट्टी में, बाहर आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। बस उसका मुझे डर लगा हुआ, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, उस नसीब राइट के साथ बहुत ढीला हुआ है। डॉक्टर को मैंने कहा चेक करवाता हूँ, चलो डॉक्टर के चेक करवाएंगे तो फिर पता लगेगा क्या मसला है इनके साथ। चलो अभी इनको दाना शाना डालता हूँ। तो जी आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है ना अल्लाह हाफिज़। और इनको जो है ना मैं इंतज़ार करता हूँ, ये मुर्गा आ गया और मुझे जो है ना वीडियो बंद करनी पड़ेगी, वरना फिर ये आपस में लड़ते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा लें, और जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।